अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं ब्राइट हाउस का चैनल। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। दोस्तों, आपको पता है इस वक्त कश्मीर से लेके कराची तक हर जगह बारिशें हो रही हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त बारिशों ने एक नया रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया है, और ये इस चीज का इंडिकेट है कि जल्द सर्दी जो है वो आ रही है, बल्कि कई हमारे जो ठंडे इलाका जाते हैं वहां पे सर्दी आ भी चुकी है। तो जैसे ही सर्दियां आती हैं, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो होता है गैस का। गैस फौरन चली जाती है और लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, ना वो खाना पका सकते हैं ना वो गर्म पानी ले सकते हैं। तो ब्राइट हाउस की कोशिश है कि हम अपने कस्टमर्स के लिए ऐसी चीजों का रिव्यू करें जो उनको इस मसाइल के दौर के अंदर भी हल दे सकें। तो आज जो प्रोडक्ट हम आपके लिए करने जा रहे हैं, इसको आप इलेक्ट्रिसिटी पे भी चला सकते हैं, अपने सोलर्स पे भी चला सकते हैं और बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफी फायदा होगा। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है मैंने बताया था कि हम आपको गीजर्स दिखाने जा रहे हैं बॉस कंपनी के। तो ये आपके सामने 2024 के तमाम न्यू आर्टिकल्स और न्यू मॉडल्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर मुख्तलिफ कैपेसिटीज हैं। सबसे छोटी जो कैपेसिटी है वो 10 लीटर्स होती है, जो मेरे कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद 15 लीटर्स होते हैं, 15 लीटर्स में दो आर्टिकल होते हैं, वैसे 10 में भी दो आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल जो है वो स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक के साथ है और एक आर्टिकल जो है वो गैल्वेनाइज शीट के साथ है। और उसके बाद 25 लीटर्स वाला जो है आप देख सकते हैं, इसमें भी दो आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल जो है ये स्टेनलेस स्टील शीट के साथ है और दूसरा आर्टिकल जो है वो गैल्वेनाइज शीट के साथ है। और जबकि चौथा आप देख सकते हैं साइज 50 लीटर कैपेसिटी होती है पूरे घर के लिए। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो आप 50 लीटर साइज देख रहे हैं ये पूरे घर के लिए होता है। इसमें भी दो आर्टिकल्स होते हैं, एक स्टेनलेस स्टील में और दूसरा गैल्वेनाइज शीट में। अब मैं आपको इसके बारे में जल्दी जल्दी कुछ इसकी जो खसूसियात हैं जो इसको बाकियों से मुख्तलिफ बनाती हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपको बड़ा जबरदस्त फील होगा इस वीडियो को देख के। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसकी प्लास्टिक क्वालिटी की, जो कि बाकी कंपनियों में जो है बाकी कंपनियों की निस्बत बहुत बेहतर इस्तेमाल की गई है। इसके अंदर जो प्लास्टिक क्वालिटी यूज की जाती है इसको कहा जाता है इंजीनियरिंग ग्रेड अनब्रेकेबल प्लास्टिक। ये बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही बेहतरीन प्लास्टिक होता है और रस्ट और शॉक प्रूफ प्लास्टिक ये जो है ये यूज किया जाता है। और ये जो है मैकेनिकली इसकी स्ट्रेंथ को भी जो है बढ़ाता है और केमिकल रेजिस्टेंस होता है और हाई थर्मल प्रॉपर्टीज इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो जल्दी खराब नहीं होती। और आपको क्योंकि ओपन आउटडोर लगने होते हैं ज्यादातर, तो सूरज की किरणें जो हैं वो आपको पता है प्लास्टिक को डैमेज करती हैं। तो ये वर्जन प्लास्टिक होता है, न्यू प्लास्टिक है और बड़ा हाई क्वालिटी का आपको बताया इंजीनियरिंग ग्रेड अनब्रेकेबल प्लास्टिक है। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं इसकी दूसरी क्वालिटी की आपको बात बताता चलूं, तो बॉस वो वाहिद कंपनी है जो अपने गीजर्स के अंदर 100% स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक दे रही है और उसकी लाइफ टाइम वारंटी दे रही है आपको। और मेरे कैमरा मैन अगर आपको कैमरे में दिखाएं तो इन्होंने बकायदा ये एक स्टिकर पंच किया हुआ है जो मॉडल्स इनके एसएस के अंदर है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है एसयूएस 316 एलिमेंट। और उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो 100% स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लाइफ टाइम वारंटी के साथ। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये लाइफ टाइम गारंटी के साथ है, यानी आपका गीजर कभी भी उसकी अगर टैंक फट जाए तो वो आप कंपनी से चेंज करवा सकते हैं एनी टाइम बगैर किसी कॉस्ट के। बाकी कोई कंपनी ये ऐसा जो है वो वारंटी या गारंटी नहीं देती। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसके अंदर दुनिया का सबसे अच्छा और नंबर वन इटालियन थर्मोवॉट कंपनी का हीटिंग एलिमेंट जो है वो यूज किया गया। ये भी स्टिकर आप देख सकते हैं हर यूनिट के ऊपर इसके लगा हुआ है। थर्मोवॉट जो है ये दुनिया में इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स जो है वो बनाता है, और इसका एलिमेंट पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। और दुनिया का समझ लें नंबर वन इटली ब्रांड थर्मोवॉट हीटिंग एलिमेंट जो है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत बेस्ट क्वालिटी में ये आपको जो है पानी को गर्म करके देता है और बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में। उसके बाद अगर मैं इसके अगले फ्यूचर की बात करूं तो दोस्तों, इसके अंदर कंपनी अपने तमाम आर्टिकल्स के अंदर मैग्नीशियम एनोड बार लगाती है।
मैग्नीशियम एनोड बार की वजह से पानी में मौजूद नमकियात टैंक में जमा नहीं होती, जिसकी बदौलत टैंक की कैपेसिटी वक्त के साथ कम नहीं होती बल्कि बहाल रहती है। अगर मैं इसको सादा लफ्जों में बताऊं तो मैग्नीशियम एनोड का फायदा ये है कि आप देखते होंगे, अगर आप घर में कभी आपने पानी को बॉयल किया हो किसी स्टील के बर्तन के अंदर, तो आपने देखा होगा उसके साइड पे नमकियात आ जाती हैं, जिसकी वजह से जब आपके 4-5 साल गीजर को गुजर जाते हैं तो जो आपका टैंक है उसमें इतनी नमकियात हो जाती हैं कि उसमें पानी कम और नमकियात ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से अक्सर कस्टमर्स को पानी के प्रेशर में बड़ा मसला आता है। तो मैग्नीशियम एनोड जो है वो ये मसला आपका हल कर देती है। तो ये भी बाकी गीजरों के बहुत कम कंपनी जो है इसको लगाती हैं, चूंकि इसकी एक कॉस्ट होती है। उसके अलावा गाइज, बॉस ने इस साल अपने कुछ नए आर्टिकल्स इन्हीं मॉडल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिनके अंदर ELCB इंपोर्टेड वायर लगी हुई है, जो कि अगर मैं इसको, अगर आपको एब्रीवेशन बताऊं ELCB की, तो ये कहा जाता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर करता क्या है दोस्तों, कि इंसानी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है, खुद कार निजाम के तहत किसी भी किस्म की ओवर अर्थ लीकेज की सूरत में ELCB सिस्टम जो है गीजर को ऑफ करवा देता है, यानी आपको ना तो करंट लग सकता है और ना ही आपके पानी में करंट आ सकता है। तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है इस गीजर के अंदर। उसके बाद मैं बात करूं तो इसके अंदर थर्मल कटआउट फ्लेम जो है, थर्मल कटआउट सिस्टम लगा हुआ है, जो कि जिसका जो अगर मैं आपको फंक्शन बताऊं वो क्या होता है, यूनिट में पानी ना होने की सूरत में एलिमेंट जब ओवर हीट हो जाए तो थर्मल कटआउट जो होता है वो सर्किट को ऑफ करा देता है, जिससे आपको फायदा ये होता है कि जो आपका एलिमेंट है वो जलने से महफूज हो जाता है। अब एलिमेंट की कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 हजार रुपए एलिमेंट की कॉस्ट है। तो ये जो थर्मल कटआउट सिस्टम है, इसका आपको फायदा ये है कि आपका एलिमेंट जलने से बच जाता है। तो ये भी बॉस के अंदर एक बहुत अच्छी चीज है जो अपने कस्टमर्स को वो प्रोवाइड कर रही है, ताकि उसका जो थर्मल कटआउट है वो उसका एलिमेंट ना सड़ने दे। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं, इसके अंदर थर्मोपोर फॉर्म इंसुलेशन यूज की जाती है, आउटर बॉडी और इनर टैंक के दरमियान हाई प्रेशर इंसुलेशन बेस्ट क्वालिटी मटेरियल से की गई है, जिसकी वजह से पानी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा से ज्यादा देर तक इसके अंदर जो है बरकरार रखता है, और उसकी वजह से आपको बिजली में तकरीबन 70% तक एनर्जी सेविंग का फायदा मिलता है। जी हाँ, चूंकि इसके अंदर पानी जितनी देर ज्यादा सेव रहेगा, गर्म रहेगा, उतना ही आपका एलिमेंट कम इस्तेमाल होगा, जितना ही एलिमेंट कम इस्तेमाल होगा उतनी ही बिजली कम इस्तेमाल होगी। तीसरी चीज, जो आखिरी चीज है दोस्तों इसकी मैं बताता चलूं, वो है थर्मोस्टेट मैन्युअली टेम्परेचर कंट्रोल। आप देख सकते हैं इसके सामने ये जो एक नॉब लगी हुई है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया के टॉप ब्रांड्स जिनमें अरिस्टन इटली और बॉश जर्मनी के इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स में इस्तेमाल होने वाला सेम सप्लायर जो उनको देता है, उसी का मैनुअल टेम्परेचर कंट्रोल जो है बॉस कंपनी इस्तेमाल कर रही है, जो कि 100% दुरुस्त रिजल्ट जो है वो देता है आपको। इसका फायदा क्या होता है, पानी का टेम्परेचर को कंट्रोल करने के सिस्टम जो है ना ये आपको देता है, और टैंक को फटने से अगर ये मतलब ओवरहीट नहीं होगा और ये टेम्परेचर कंट्रोल अच्छा होगा, तो उसका आपको फायदा ये होगा कि आपका टैंक जो है वो फटने से बच जाएगा, लीक होने से बच जाएगा, और बिल्कुल कंप्लेंट लेस हो जाएगा, और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग और लॉन्ग लाइफ ये चलता है। उसके अलावा आखिरी इसकी खूबी बताता चलूं, आप चूंकि बिजली भी बहुत महंगी है और गैस आ नहीं रही, तो आप लोगों ने बहुत सारे घरों में, तकरीबन मेरा ख्याल है 40-30% लोगों ने घरों में सोलर लगा लिए हैं, तो आप इसको सोलर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अब चूंकि ये इसकी सारी जो क्वालिटी थी वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है, अगर इसमें कोई चीज समझने वाली रह गई हो या आप समझना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं अब जल्दी जल्दी आपको इसके वॉट्स और इसकी प्राइसेस के बारे में बताना चाहूंगा। जो दोस्तों 10 लीटर की कैपेसिटी है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी वॉट जो यूज किया गया एलिमेंट, वो 1500 वॉट का एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि दो एलिमेंट्स जो है, सॉरी दो वेरिएंट्स जो है इसमें आ रहे हैं, एक स्टेनलेस स्टील टैंक के साथ और दूसरा सुप्रीम मॉडल जो गैल्वनाइज टैंक के साथ होता है। अगर मैं गैल्वनाइज टैंक जो स्टील टैंक नहीं है उसकी बात करूं प्राइस की, तो वो है 20,000 रुपए का आपको कॉस्ट करेगा ब्राइट हाउस से। अगर स्टेनलेस स्टील आर्टिकल की बात करें जिसमें SS टैंक दिया गया है,
वो सिर्फ 2000 की आपको जो है ना उसके अंदर और खर्चना पड़ता है, 22000 रुपए में आपको एसएस टैंक में मिलता है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या एसएस टैंक लेने का, कि एसएस टैंक की लाइफ टाइम वारंटी है जबकि दूसरे की एक साल वारंटी होती है। 15 लीटर वाले गीजर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें जो सुप्रीम मॉडल है गैल्वेनाइज टैंक के साथ, वो आपको कॉस्ट करेगा 22800 रुपए में, जबकि इसके अंदर स्टेनलेस स्टील टैंक जो है वो 2200 के इजाफे के साथ 25000 रुपए का आपको कॉस्ट करेगा। एलिमेंट की बात करूं तो इसके अंदर भी 1500 वॉट्स का, 1500 वॉट का एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर 25 लीटर का साइज आ जाता है। इसमें भी दो आर्टिकल्स हैं, मैंने आपको जिस तरह शुरू में बताया, बल्कि तीन आर्टिकल्स हैं इसमें। एक गैल्वेनाइज शीट के साथ है, गैल्वेनाइज शीट वाला अगर आप एलिमेंट इसमें चादर वाला लेते हैं गीजर, तो वो 27800 रुपए का आपको कॉस्ट करता है। अगर आप इसमें स्टेनलेस स्टील टैंक वाला लेंगे तो वो आपको कॉस्ट करेगा 29800, यानी 2000 के इजाफे के साथ। और फिर तीसरा वेरियंट जो इस दफा इन्होंने नया निकाला है, ELCB जो है, इसके अंदर आपको जो स्विच दिया जा रहा है अगर वो और स्टेनलेस स्टील के साथ आप लेंगे तो वो 30750 रुपए का आपको कॉस्ट करेगा, यानी तकरीबन 950 रुपए का उसके अंदर आपको थोड़ा इजाफा होगा। लेकिन उसका फायदा आपको ये हो जाएगा कि पानी में करंट वगैरह किसी किस्म की कोई आने का खतरा नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 50 लीटर्स वाला वेरियंट आ जाता है। 50 लीटर्स वाले में भी मैंने आपको बताया तीन वेरियंट्स आते हैं। एक गैल्वेनाइज सीट जिसको जिस्ती चादर कहते हैं, उसमें अगर आप लेना चाहेंगे तो वो 32900 रुपए का कॉस्ट करेगा। एसएस चादर में लेना चाहेंगे, स्टेनलेस स्टील में टैंक वाला लेना चाहेंगे, तो वो आपको 35500 रुपए का कॉस्ट करेगा। और अगर इसमें भी आप वो ELCB वायर के साथ लेना पसंद करेंगे तो वो 36950 रुपए का आपको कॉस्ट करेगा। मैं उम्मीद करता हूं, अच्छा इनमें सॉरी मैं ये बताना भूल गया कि जो 25 वाला है और 50 वाला है, इनके अंदर एलिमेंट जो इस्तेमाल किया जाता है वो 2000 वॉट का थर्मोवॉट कंपनी का यूज किया जाता है। तो दोस्तों इन सब की आपको कंप्लीट आई थिंक सो मैंने डिटेल जो है वो पास ऑन कर दी है। और इसके अलावा अगर कोई चीज पूछना आप चाहते हैं या रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऑर्डर प्लेस करने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करें या व्हाट्सएप करें, या उसके अलावा हमारी वेबसाइट www.brighthouseelectronics.com पे विजिट कीजिए। तो अगली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।